60-40 ये जो हो रहा है ये बिल्कुल हम झारखंड के खिलाफ है, मतलब यहाँ के भावनाओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए इस पे संशोधन करने के लिए सरकार लगातार उसमें काम कर रही है और हमने विधानसभा में ये मामला उठाया है कि 90-10 को सुनिश्चित किया जाए जो सबके भावनाओं के अनुरूप है। कोई भी यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को भागीदारी मैक्सिमम नहीं मिले। तो अब कितना टाइम लगे है? छात्र बोल रहे हैं कि अब तो एक साल ही बचा है के बाद गवर्नमेंट। देखिए हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे सरकार में सभी जो माननीय लोग हैं सभी लोग यहाँ जन भावनाओं के अनुरूप अवगत है कि यहाँ पे क्या डिमांड है, क्या लोग चाहते हैं, क्या करना चाहिए, सबको पता है और उस गति में उस और सब लोग अपना भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं चाहता कि बिहार के लोग ज़्यादा आ जाएं, कोई ये नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़ के लोग आ जाए, क्योंकि झारखंड है, झारखंड के लोग भी हैं, झारखंड के युवा जो हैं वो कहाँ जाएंगे। तो सब लोग ये चाहते हैं और इस डायरेक्शन में सब लोग काम भी कर रहे हैं। हमारी सरकार भी चाहती है क्योंकि ये झारखंड मूलवासी आदिवासी के भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है और हमेशा आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे हेमंत सोरेन जी और हमारे पार्टी के हमारे लीडर्स हमेशा कहते हैं और हम सबका ये भावना है, हम सब यहाँ के हैं, सबका भावना है कि यहाँ के लोग जो इतने समय से वंचित रहे, आप देखें कोई भी अभी जेपीएससी एग्ज़ाम को स्मूथ कर दिया गया है ये सरकार के द्वारा। पहले जेपीएससी एग्ज़ाम कभी भी स्मूथ नहीं चली, कभी सक्सेस नहीं कर पाया, लेकिन एग्ज़ाम को स्मूथ तरीके से चलाने का ये भी चैलेंज हमारी सरकार के सर पे है और ये इसका शुरुआत हो चुका है। बहुत सारी वैकेंसीज अभी भरी है, एग्ज़ाम भी रिजल्ट्स भी निकले हैं, अभी और वैकेंसीज आने वाली है। हमारा संघर्ष है क्योंकि ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार भी संघर्ष कर रही है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा उसमें भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।